कि ये पूजा करने के लिए आए हैं इस लैंडस्लाइडिंग एरिया में। यहाँ के देवता को खुश रखना पड़ता है ताकि ये चट्टाने खिसक कर रोड पर ना आए। इस वक्त हम खड़े हैं लैंडस्लाइडिंग एरिया में। यह देखिए चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। यहाँ के वृक्ष की वजह से गाइस यहाँ पर धूप नहीं आ पाती है, हमेशा यहाँ पर अंधेरा बना हुआ रहता है। ये मेरे पीछे आप देखिए चट्टाने। गाइस ये लैंडस्लाइडिंग एरिया अलीराजपुर से 20 किलोमीटर दूर पर है। बारिश में ये चट्टाने टूट कर गिर जाती है और रोड ब्लॉक हो जाता है यहाँ का। चलिए हम चट्टानों की ओर चलते हैं और आप देखिए चट्टाने। ये चट्टाने गिर कर नुकसान नहीं पहुँचा है इसलिए ग्रामीण यहाँ पर भी पूजा करते हैं। ये पूजा स्थल देखिए, ये पूजा करने के लिए आए हैं इस लैंडस्लाइडिंग एरिया में। यहाँ के देवता को खुश रखना पड़ता है ताकि ये चट्टाने खिसक कर रोड पर ना आए। हाँ, सही बात। और किसी की जान ना जाए। सही बात, सही है ना? सही बात, ये बात सही। अब देखिए लैंडस्लाइडिंग का मेन एरिया, ये चट्टाने टूट कर आ जाती है। अब आपको यहाँ का नज़ारा मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पेड रोड अलीराजपुर से कवाट के लिए, अलीराजपुर से कवाट पहुँचने के लिए एक बहुत शॉर्टकट रास्ता है, 40 किलोमीटर और पहुँच जाते हैं। इस ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, ये चट्टान से टूट कर अलग हुए हैं। ये सारे पत्थर रोड पर पड़े थे, इन्हें जेसीबी से हटाकर रास्ता क्लियर किया गया है। लैंडस्लाइडिंग में एक वृक्ष गिर गया। ये देखिए ये टूटी हुई चट्टान है। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। ये चट्टानें टूट कर सड़क पर गिर जाती है और जान का खतरा बना हुआ रहता है हमेशा। ये ग्राम केल में स्थित है। अब हम नीचे उतर रहे हैं।